Hey guys, welcome to Karvachauth vlog. Welcome to Karvachauth 2018 vlog. Abhi baje hain subah ke 11. 11 baj ke 10 minute hue hain Singapore mein. Mera pura din ka kaam ho chuka hai and at the end maine shower le liya hai. Aap dekh sakte ho ki mera towel, mera dress aur mera bed sheet sab kuch pink hai. To aaj kafi pink mood hai. और अभी मैंने कर ली है सारी करवा चौथ की तैयारी और मेरा आज का जो प्लान है वो ये है कि आज सैटरडे है तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों घर पे हैं तो टाइम बहुत आसानी से कट जाएगा और जैसा कि आप जानते हो हमारे यहाँ सर्गी नहीं होती है तो मेरा जो करवा चौथ होता है वो निर्जल होता है पूरे दिन मैं पानी नहीं पीती हूँ कुछ भी नहीं खाती हूँ ना फल ना चाय ना कुछ भी नहीं जो पिछले रात डिनर किया होता है उसके बाद 12 बजे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है तो 12 बजे से पहले पानी पी के सो जाओ तो कल मैंने वो भी नहीं कर पाया क्योंकि हम कल गए थे शॉपिंग और मैंने की थी बहुत सारी शॉपिंग सारे शॉपिंग बैग्स आप देख सकते हो अभी यहाँ पे बेड पे पड़े हैं मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ व्लॉग और ये है मेरा बेटा जो आना चाहता है व्लॉग में और इसने आज हम लोग रात को इमारती गए थे हाँ हम लोग कल ट्रेन से आए थे क्योंकि रणवीर को हमेशा ट्रेन ट्रेवल पसंद है अब ये बात करेगा सारी पहले इमारती लिया तो लेते लेते गया था फिर हॉस्पिटल फिर डाउनटाउन लाइन यस सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा ये आपको चलो खेलो तो हाँ जैसे कि उसने मेंशन किया हम हॉस्पिटल गए थे द वन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न कि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाए थे या वीडियोस नहीं बनाए थे उसका बहुत रीज़न था क्योंकि मेरा हेल्थ चेकअप चल रहा था मुझे अपना फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होना था तो मुझे डॉक्टर के फॉलो अप विजिट्स हो रहे थे और कल मेरा लास्ट विजिट था व्हेन डॉक्टर गेव मी अ ग्रीन सिग्नल कि सब कुछ फिट फाइन परफेक्ट है और मुझे भी अब आप देख सकते हो मैं फुल एनर्जेटिक हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ राइट हेल्थ इज गुड तो मैं अब व्लॉग बना सकती हूँ तो आज के व्लॉग में सबसे पहले जो मेरी ये मेहंदी है ये मैंने खुद लगाई है और ये बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है मैंने भी लगाई है मेहंदी अरे हाँ सोनू ने भी लगाया है मेहंदी ये वाला हाथ और ये वाला हाथ यस ये वाला हाथ दोनों हाथ में रणवीर को मामा ने मेहंदी लगाई है क्योंकि रणवीर को भी थोड़ी सा ड्रॉ करना था हाथ में तो मैंने उसका नाम लिखा और छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं और वो बहुत ज़्यादा फेड हो गए हैं धुलने वाले हैं और मैंने ये मेहंदी खुद लगाई है मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी लगाई है जो बहुत ही ज़्यादा गीला कोन था एकदम फ्रेश कोन था और लगाने के बाद वो फैल गया है पर शगुन हो गया है बस आप समझ लो मैंने ये सोचा है कि खाली हाथ रखने से त्यौहार है और मेहंदी तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट सजने का सामान है तो खाली हाथ रखने से अच्छा है कि मैं अपने आप खुद थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ तो मैंने कल ये थोड़ा सा ड्रॉ किया कल का दिन बहुत बिजी था हॉस्पिटल एंड ट्रैवल की प्लानिंग हो रही थी आई मीन हॉस्पिटल क्लियर हुआ और ट्रैवल की प्लानिंग हो रही थी मैं जा रही हूँ बैंगलोर 4 दिन में मैं और शोना जा रहे हैं और सोनू बरबर मेरे व्लॉग में आने की कोशिश कर रहा दिस इज नॉट योर चैनल दिस इज मामाज चैनल What are you telling? Tell. It's actually getting dark. I don't know why. हाँ तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी है मे बी ये करवा चौथ का व्लॉग है तो let this be a करवा चौथ व्लॉग मैं आपसे बाकी बातें करूँगी दूसरे व्लॉग में तो ये है मेरे करवा चौथ की थाली ढकने का कपड़ा आई मीन पूजा की थाली ढकने का कपड़ा और ये है मेरी छन्नी ये वही छन्नी है जो मैंने पिछले साल यूज़ करी थी और ये यहाँ से सेंटर से जल गई थी जब मैंने दिया रखा था इसमें एक प्लास्टिक की शीट लगी थी और मेटल की तो मैंने वो प्लास्टिक की शीट पूरी हटा दी और बाकी ये छन्नी पूरी सही सलामत है तो मैंने वही छन्नी इस बार भी यूज़ करनी है और ये रहे मेरे मंदिर मैंने पूरा मंदिर धो के बर्तन धो के और पूरे पूजा की पूरी तैयारी कर ली है यहाँ पे बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं शाम को करूँगी जैसे कि ये जो कपड़ा है ये आइकिया का है आइकिया से मैं ये रेड कलर का टॉवल लेके आई थी ये ब्रांड न्यू है मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो मैंने ये आज भगवान के नीचे बिछाने के लिए इस्तेमाल में रखा है ये है सुहाग का सामान जो मैं माता पे चढ़ा रही हूँ जो कि है सिंदूर ये मैंने लाल रंग का यूज़ किया है ये है गुलाबी और मैजेंटा कलर की चूड़ियाँ और ये
है बिंदी तो जो नया सुहाग का सामान है इसमें से मैं शाम को सिंदूर और चूड़ियां यूज कर लूंगी अभी माता के सामने रखी है आशीर्वाद के लिए ये है करवा जो मुझे यहाँ सिंगापुर में पूरे 500 इंडियन रुपीस का मिला है $9.50 का और ये है गुलाबी रंग का इस बार काफी चीजें गुलाबी हैं तो आपको समझ में आएगा मैंने काफी चीजें गुलाबी क्यों ली है बाद में इस व्लॉग में अभी ये करवा बस मैंने धो के मंदिर में रखा है इसमें मुझे जो सामान डालना है वो मैं बाद में डालूंगी शाम को और ये है चांदी के दो दिए और ये बीच में है चांदी के गणेश जी पर चांदी यहाँ पे सिंगापुर के वेदर में ह्यूमिडिटी की वजह से काली हो जाती है पर मैंने अपने दियों में आप देख सकते हैं घी और बत्ती डाल के रखी है ताकि पूरी तैयारी हो चुकी है तो जब मैं पूजा करूँ तो सिर्फ पूजा करूँ बाकी माता को भी मैंने नई चुन्नी माला सब चढ़ाया है सब कुछ तैयार करके रखा है गणेश बाल गोपाल जी है वहाँ पे और ये है करवा चौथ का कैलेंडर इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि शिव जी और पार्वती जी की भी फोटो है क्योंकि करवा चौथ पे शिव जी और पार्वती जी और गौरी जी को भी पूजा जाता है तो ये करवा चौथ के पूजन का कैलेंडर है जो आपको मार्केट में मिलता है मेरा वाला जो है ये थोड़ा हार्ड कार्डबोर्ड के ऊपर करवा चौथ का फोटो है तो मैं ये भी मेरा पिछले साल का ही कैलेंडर है जो मैंने पिछले साल लिया था एक ही बार यूज़ किया था संभाल के रखा था तो मैं सेम यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे है कुछ पूजा पाठ का सामान तो ये है मेरा मंदिर और मैंने यहाँ पे बत्तियाँ लगाई है क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो मुझे लाइट्स लगाना बहुत पसंद है और यहाँ पे है मेरा एक मनी प्लांट जो काफ़ी फूल रहा है क्योंकि मुझे आजकल घर में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत लगती है तो मैंने यहाँ पे एक मनी प्लांट रखा है इसको रणवीर मुझे वाटर देने में बहुत हेल्प करता है तो ये है मेरी करवा चौथ की सुबह की तैयारी तो मैंने कर लिया सवेरे की पूजा और मैंने करवा चौथ के कैलेंडर को यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी मैंने सारा पूजा पाठ का सामान जो हमारे यहाँ जैसे होता है वो सुबह की पूजा कर लिए मैं शाम को दोबारा पाठ करूँगी और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब हो गए हैं शाम के 4:45 और मैंने अभी अभी थोड़ा सा आइडिया लगाया है और अपनी फिंगर्स में हमारे यहाँ इन्हें पौरे बोलते हैं पौरे भर लिए क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर और मामा की फ़ोटो देखी और सबने पौरे भरे थे वैसे भी मेरी मेहंदी बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल स्टाइल की लगी है जो मैंने खुद लगाई है तो उतनी ग्लैम्ड अप ब्राइडल मेहंदी नहीं है जो पार्लर में लगती है तो मैंने सोचा कि मैं पौरे भर लूँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इससे ना बहुत ही ज़्यादा ग्लैम्ड लुक आता है मेहंदी का और थैंकफुली मेरे हस्बैंड ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे राइट हैंड में पौरे भरने में हेल्प करी है या मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग कर ली है इसलिए मैंने अभी आप देख रहे हो मैंने घर के ड्रेस पहने हुई है क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग कर ली है और थोड़ी बहुत कुकिंग बाकी है और शाम हो गई है तो अभी भी मेरे पास 1 घंटा है तैयार होने का पाठ के लिए मैं खुद ही पाठ करूंगी आज इस बार घर पे मैं हमेशा ही खुद ही घर पे पाठ करती हूँ कभी कभार मेरे फ्रेंड मुझे ज्वाइन करते हैं पर इस बार मैंने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है बिकॉज़ आपको पता है कि मेरे हॉस्पिटल्स के चक्कर चल रहे थे तो
फैमिली टाइम और सुबह से टाइम बहुत आसानी से कट रहा है क्योंकि एक्चुअली मेरा कैमरा एंगल्ड है और मैं उसको टच नहीं कर सकती. बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रिस्ट की हेल्प से कैमरा ऑन किया है तो इसलिए मैं ऐसे टेढ़ा बैठी हूँ. हाँ तो आज क्या था, आज सैटरडे था तो रणवीर और उसके पापा घर पे थे. हम लोग एक मूवी देख रहे थे, आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप पे. तो मैं बीच बीच में धीरे धीरे कुकिंग कर रही हूँ. मैं एंड मोमेंट में एकदम सब कुछ कुक नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत भाग दौड़ हो जाती है, इतना सारा काम होता है, थकान भी हो जाती है, फिर खाना भी ख़राब होता है. तो मुझे स्लोली आराम से खाना बनाना, पूजा का और डिनर का स्लोली आराम से टाइम लेके बनाना अच्छा लगता है ताकि डिलीशियस और मन का खाना बने. तो यही हो रहा है अभी. बस पूरियाँ तलनी बाकी हैं, कढ़ी मेरी चढ़ी हुई है, मटर पनीर की सब्ज़ी भी चढ़ी हुई है, सेवियाँ मैंने बना ली हैं और क्या, और आई होप कि मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ. हाँ तो यही सब है. तो अभी ये मेहंदी जो है ये इंस्टेंट मेहंदी है, ये नेहा मेहंदी कोन है, ये मतलब इंस्टेंट डार्क मेहंदी कोन है, ये पील हो जाता है. तो अभी ये 15 मिनट में सूख जाएगा, मैं इसे पंखे में फटाफट सुखा के हाथ धो के फिर कुकिंग पे फटाफट काम फिनिश कर दूंगी कुकिंग का, ताकि जब मैं तैयार हूँ मुझे दोबारा किचन में ना जाना पड़े. तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में. एंड हैप्पी करवा चौथ आप लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हो. जब तक ये व्लॉग लाइव आएगा आई थिंक आप सेलिब्रेट कर चुके होंगे, पर आई स्टिल विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ एंड वेरी हैप्पी फेस्टिवल और आने वाला साल और पूरे की पूरी ज़िंदगी आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत सुखद में हो, बहुत सारा प्यार मिले आपको और आप भी बहुत सारा प्यार दे सके अपने पार्टनर को. आई कैच यू सून. और यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है. मैंने बनाई थी ये सेवियाँ, वर्मीसिली जो होती हैं, बहुत ज़्यादा बना लिया है तो हम ये कल भी खाने वाले हैं पक्का. और ये मैंने पूजा की कढ़ी बनाई है जो मैंने अलग से निकाल के रख लिया, बहुत गर्म है अभी एक्चुअली, क्योंकि बिना प्याज की कढ़ी होती है पूजा वाली. ओहो, और अरे यार ये बार बार ढक्कन खोली जा रहा है. और यहाँ पे मैंने बनाई है कढ़ी जो है हमारा डिनर. इसमें मैंने प्याज वाले पकौड़े डाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक बार व्रत खुल जाता है उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब वेजिटेरियन. तो ये मैंने बहुत ही डिलीशियस कढ़ी बनाई है, अच्छी खुशबू आ रही है, हींग का तड़का मार के बनाई है. और इस कैसरोल में है ये 5 मीठी पूड़ियाँ. तो मैंने बस अभी ये पूड़ियाँ निकाली हैं गरम गरम, इसलिए यहाँ पे ये कढ़ाई चढ़ी हुई है. और इस कुकर में है आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी. कैमरा फोकस प्लीज़, बहुत हॉट है, धुआं निकल रहा है. तो अभी बस मैं ये सब ख़त्म करके पे एक्स्ट्रा पूरी का आटा है, प्लेन पूरी का आटा, जो मैं बाद में व्रत खोलने के बाद जब डिनर करना होगा गरम गरम पूरियाँ इंस्टेंटली निकालूंगी. और ये है मिठाई, ये है दिलखुश. सिंगापुर में अगर आप रहते हैं तो मैं मोगुल स्वीट से मिठाइयाँ खरीदती हूँ, पर आजकल वो इतने कंजूस हो गए हैं कि इस प्लास्टिक के उसमें मिठाइयाँ देते हैं, डब्बे के शायद एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, आई डोंट नो. पर ये है मोतीचूर के लड्डू फ्रेश और ये है दिलखुश जो मैं पूजा की थाली में रखूँगी. और ये है पान एंड सुपारी जो हमारे यहाँ पूजा की थाली में रखते हैं. आप चाहें तो बना बनाया पान भी ले सकते हैं, पर यहाँ मुझे पता नहीं कहाँ मिलता है बना बनाया पान, तो मैंने पान का पत्ता और सुपारी ली है. और ये है गजरे चमेली के फूल के, तो मैं ये बालों में लगाऊंगी शाम को और बाकी अपने करवे पे लगाऊंगी और पूजा में यूज़ करूंगी. और थोड़े से इसमें है लाल गुलाब के फूल, ये भी मैंने सुबह ऑलरेडी पूजा में यूज़ किए थे और ये मैंने शाम के लिए थोड़े और बचा के रखे हैं. सब कुछ ठंडा ठंडा है क्योंकि मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा था. अब शाम हो गई है तो तैयारी करने का टाइम है. सो जस्ट नोटिस कि ये प्रेस आज सुबह गिर गई थी रणवीर जब यहाँ पे खेल रहा था, तो ये इसका जो टिप है वो टूट गया है. और मैं जब अपने कपड़े में प्रेस कर रही हूँ तो ये फंस रहा है, तो मैं अपना ड्रेस ख़राब नहीं करना चाहती तो ये गई काम से. ये यूज़ नहीं हो सकती है, कुछ भी यूज़ करोगे ये बहुत शार्प है आगे से. इट्स ब्रोकन एंड आई हैड अनदर स्पेयर प्रेस इन माय स्टोर रूम और मैंने सोचा कि मैं होपफुली अपने कपड़े प्रेस कर पाऊँगी. और देखो क्या है, इसका ये स्विच टूटा हुआ है. तो सैडली आई डोंट हैव अ प्रेस राइट नाउ टू आयरन माय पूजा ड्रेस. तो ये है मेरा आउटफिट फॉर द करवा चौथ, ये है कुर्ता. तो मैंने सूट तो पहन लिया है गाइस और अब है टाइम चूड़ियाँ और ज्वेलरी पहनने का. तो ये है पिंक कलर की चूड़ियाँ जो मैंने कांच की ली हैं, लकीली मुझे कांच की मिल गई. एटलीस्ट करवा चौथ पे तो कांच की चूड़ियाँ पहन ले, वैसे तो मौका मिलता नहीं है. और ये है कंगन, दूसरा कहाँ गया, अरे मेरा कंगन कहाँ गया, फिर इसमें कंगन, अरे
ओह ये चूड़ियों के अंदर है. हाँ तो ये है मेरे कंगन, ये है न्यू गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड. तो ये अभी इसके टैग्स निकले नहीं है, मैं अभी इसके टैग्स निकालती हूँ. ये दो कंगन मैंने थोड़े महीने पहले लिए थे, तो मैंने अपना चार का सेट पूरा कर लिया है. तो उन्होंने मुझे जो करवा चौथ पे गिफ्ट दिया, अभी टैग्स निकालूंगी. करवा चौथ पे जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है वो मैंने उसी के साथ के ले लिए हैं, तो ताकि मेरे कंगन के सेट हो जाएँ. तो मैं ये पहनूंगी अभी. ये है 24 की चूड़ियों का सेट, तो मैं लगाऊंगी 12-12 चूड़ियाँ एक एक हाथ में. ये पता नहीं, एक्चुअली मेरे जो हाथ का साइज़ है वो 2.2 है, पर मार्केट में मुझे 2.4 साइज़ की ही कांच की चूड़ियाँ मिली थी. अरे ये तो अंदर चला जा रहा है, यही प्रॉब्लम हो जाती है पता है हाथ छोटे होने से. तो मेरा देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. अरे वो बड़ी वाली चूड़ियाँ आगे चली जा रही हैं कंगन के ना, अगर मैं फिर शायद इसके पहनूंगी. मुझे कांच की चूड़ियाँ पहननी थी करवा चौथ पे, पर मेरे सोने वाली चूड़ियाँ अंदर चली जा रही हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, पर मैं कांच की चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ. क्या करूँ अब, सोने की चूड़ियाँ ढक ढक के जा रही हैं. वैसे मेरे पास एक और कंगन है, मैं ये भी पहन लेती हूँ, तो शायद इस ये ना ढके. क्योंकि कांच की चूड़ियाँ पहनने का तो और मौका मिलता नहीं है, राइट. एक्चुअली मैंने ट्राई करके देखा, मेरे ये जो दूसरे वाले कंगन हैं ये ऐसे ढक नहीं रहे हैं, पर ये वाले कंगन ढक जा रहे हैं क्योंकि चूड़ियाँ बड़े साइज़ की. मुझे अपने साइज़ की 2.2 साइज़ की चूड़ियाँ नहीं मिली थी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कांच की चूड़ियाँ पीछे कर लेती हूँ और फिर ये वाले कंगन लगा लेती हूँ, और उसके बाद ये कंगन लगाती हूँ. और आज कैंची नहीं चढ़ानी है क्योंकि आज त्यौहार है, त्यौहार के दिन कैंची नहीं चलाते हैं. फास्ट है, फास्ट के दिन कैंची नहीं चलाते हैं हमारे यहाँ. तो मैं हाथ से तोड़ लेती हूँ. लकीली ये टैग्स निकल गए हैं, तो मैं ये आगे लगा लेती हूँ. ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि इस कड़े से ये ढक जा रहा है. चूड़ियाँ हो गई हैं, कांच की चूड़ियों की तो आवाज़ ही अलग होती है, और एटलीस्ट करवा चौथ पे तो पहन ही लेनी चाहिए, तो अच्छी बात है. तो फिर ये वाला कंगन मैं नहीं पहनूंगी. और आई बारी ज्वेलरी की, आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, तो मैं पहन के दिखाती हूँ. तो शायद सूट पहनने के बाद ये मेरा पहला फेस टू फेस वो है. तो पहन रही हूँ मैं अपने इयररिंग्स. दीज आर ऑल्सो करवा चौथ गिफ्ट, मिल गया था मुझे करवा चौथ का गिफ्ट. तो पहनती हूँ. ज्वेलरी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, और मेरी मम्मा हमेशा बोलती हैं कि जब भी आप ज्वेलरी पहनो ना तो आराम से बिस्तर पे बैठ के पहनो. मैं अभी भी उतने अच्छे से नहीं, मतलब मैं कोने में बैठ के पहनी हूँ, पर फिर भी मैं इस तरफ झुकी हुई हूँ कि अगर आपका कुछ भी गिरे ना तो बिस्तर पे गिरे. कभी भी खड़े होकर ज्वेलरी मत पहनो, फर्श पे मत पहनो, या फिर चेयर वगैरह पे बैठ के मत पहनो, क्योंकि वो नीचे गिरेगी तो स्क्रैचेस, टूटने या फिर गुम होने का डर है, ज़्यादा जंप करती है. बिस्तर पे गिरती है तो आसानी से आप उसे पिक कर सकते हो. तो है, अच्छे से स्क्रू लगा लूँ मैं, यस. और अब मैं पहनती हूँ दूसरी, इसका भी टैग लगा है, तो मैं पहले इसका टैग निकालती हूँ. मुझे ये टैग शायद पहले निकाल के रख लेना चाहिए था, कैंची से काटने में ज़्यादा आसानी होती है, पर हाथ से निकल गया है. टैग्स इज आउट. अब मैं पहनने वाली हूँ दूसरा इयररिंग. जल्दी लग गया, तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि जल्दी ही लग जाए. और मैं होगी हूँ तैयार, मेरे हस्बैंड भी हो गए तैयार, और पूजा का टाइम हो चुका है. मैंने पूजा की सारी तैयारी मंदिर में लगा के रखी है, बस करवा में थोड़ा सा डालना है दूध और शक्कर, और थाली लगानी है. पूजा का खाना रेडी है, पर पूजा की थाली रेडी नहीं है, तो मैं वो लगाती हूँ. और गाइज, आपने मेरे पिछले 2 साल के करवा चौथ व्लॉग्स पे बहुत सारा प्यार दिया, तो थैंक यू फॉर दैट. मैं इसीलिए इस साल आपके लिए फिर से करवा चौथ व्लॉग बना रही हूँ. जितना मैं कर सकी उतना मैंने बनाया, और ये सब आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मुझे फिर से मन किया कि मैं अपना कैमरा व्लॉगिंग उठाऊं और आपके लिए करवा चौथ व्लॉग बनाऊं. और ना कि सिर्फ आपके लिए, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगता है. मैं जब अपना
पुराने वीडियोस देखती हूँ, लाइफ चेंज होती है, राइट? हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, सब कुछ चेंज होता है, तो अच्छा लगता है अपनी पुरानी वीडियोस देखना. तो शायद कुछ सालों बाद जब मैं अपना ये करवाचौथ व्लॉग देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुस्कुराऊंगी. अगर आपने ये व्लॉग अभी तक इंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. बिना लाइक किए मत जाइएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आप चाहते हो कि मैं थोड़े और व्लॉग्स बनाऊं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका करवा चौथ कैसा था, आप करवा चौथ त्यौहार के बारे में क्या सोचते हो. और है मंगलसूत्र का टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? सुहाग की निशानी. तो मैं पहनूंगी अपना मंगलसूत्र. करवा चौथ मुझे बहुत पसंद है, शादी से पहले भी, मतलब मैं हमेशा करवा चौथ फेस्टिवल को लेके बहुत एक्साइटेड रहती थी क्योंकि मेरी मम्मी करवा चौथ करती थी और वो भी ऐसे निर्जल वाला व्रत करती थी कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे बिना पानी पिए रहना, खाना तो दूर की बात है, बिना पानी पिए रहना बहुत कठोर फास्ट होता है. लेकिन ओहो, बाल बीच में आ रहे हैं, आई डोंट हैव अ क्लिप. तो अच्छा लगता था मम्मा से, मम्मा को देख के, और अब अपना करवा चौथ करना बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मेरे हस्बैंड घर पे हैं, वो भी रेडी हैं, बाहर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ में पाठ पढ़ने वाले हैं. ओके, I think it's nice. I think this is enough. मैं कतब से हेयर बैंड लगा के मैसी बालों में आपसे कर रही हूँ. आई हैव बिकम सो कूल विद यू गाइज की यू नो. अब जाके मैं थोड़े अपने बाल कर देती हूँ, उसके बाद आई विल बी रेडी. आई डोंट नो, बाल खोलूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टिल इट इज़ लुकिंग लवली आई थिंक. और मे बी ज्वेलरी पहनूँ या ना पहनूँ समझ नहीं आ रहा, पहन लेती हूँ करवा चौथ. तो लेट मी वेयर वन नेकलेस, देखती हूँ पहन के लगता कैसा है. सबसे लंबे वाले में डाल देती हूँ मैं, और उसके बाद आप मुझे बताना आपको सजना धजना कैसा लगता है. मुझे तो बहुत पसंद है, और जब पूरी तरह सजने का मौका हो तो सिर्फ शादियों में या करवा चौथ में होता है. जिसने भी करवा चौथ का त्यौहार बनाया बहुत ही अच्छा बनाया है, सुहागन लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है. हमें सजने का मौका मिलता है और साथ में अपने पति के साथ. आपको पता है मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं, तो उन्होंने भी सुबह से फास्ट रखा है. लेट मी सी कि मैं इसे पहन के रखूँगी कि उतार दूँगी, पता नहीं. मम्मा को, अपनी माँ को वीडियो कॉल करती हूँ मैं, और उसके बाद देखती हूँ. तो गाइज, आई थिंक मैं रेडी हूँ, बस मुझे बाल करने हैं. मैं गजरा लेके आई हूँ तो मैं लगाती हूँ जल्दी से. अब अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताना कि लाइट आ रही है, आप मुझे बताना कि अब अच्छा लग रहा है. तो आप मुझे बताना कैसा लग रहा है मेरा करवा चौथ लुक. अभी मुझे चुन्नी लेनी है, पार्ट के लिए लेट हो तो जल्दी पार्ट करते हैं. तो गाइस, पार्ट का टाइम हो गया है. तो मैं इसमें करवे में मैंने डाला है पानी, और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा कच्चा दूध, और इसमें डालनी है थोड़ी सी मिश्री या फिर शक्कर. तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी. तो ये है करवे में डालने का सामान. करवे से पानी लीक हो रहा है, ओह नो. अरे अरे, ये करवा तो फूटा हुआ है. हाँ, अब मैं क्या करूँ, ये दिया रख लेती हूँ, नहीं दिए से नहीं होएगा. चीकू, मेरा करवा टूटा है, आई डोंट नो. इसमें नीचे आटा लगा लेती हूँ. पता नहीं मेरा करवा कैसे टूट गया यार, नया करवा लेके आई हूँ मार्केट से, टूट गया नीचे से आ रहा है. मैं इस पे आटा लगा के देखती हूँ, लीक होगा पहले ही, पता नहीं. हाँ, पहले ही दुकान से, इंडिया से आते हैं भर के ना स्टॉक में, ट्रैवल में. हाँ, अब मैं नीचे ये आटा लगा के देखती हूँ. सूखेगा थोड़ी इतनी जल्दी? नहीं सूखेगा नहीं, लेकिन बंद होने के चांसेस है. हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है.
वैसे तो भगवान के पास जो कलश होता है ना तांबे का, उससे भी जल चढ़ा सकते हैं, पर अब मैं सुबह से मैंने मंदिर में रखा है ना, लीक हो जाएगा आप कह रहे हो? ये आटे से नहीं, पहले मैं इसको धोती हूँ, रुको, प्लेट भी गंदी होगी पूजा के। मैं अब करवा लाई थी यार, तो मैं अपने करवा चौथ की थाली लगा रही हूँ, उसमें मैंने रखे हैं फूल और पान सुपारी और मैं इसमें रखने वाली हूँ एक लड्डू, और ये है पांच मीठी पूड़ियां, और ये है कड़ी बिना प्याज की है जो अर्घ में चढ़ाते हैं, और ये है सेवियां। तो ये है मेरे पूजा का सामान, और ये करवा है। अब मुझे पता नहीं है ये लीक होएगा कि क्या होएगा, नहीं तो आखिरी वक्त पे लग तो रहा है लीक हो रहा है, आटे से भी नहीं रुकने वाला है, आखिरी वक्त पे चेंज करना पड़ेगा। और ये है दिलखुश की मिठाई, और ये मैंने बनाया है आटे का दिया पांच मुंह वाला। तो आप फ्रेश आटा गूंदिए, और ये बहुत ही फ्रेश और सॉफ्ट होगा, इजीली बन जाएगा। तो ये पांच मुंह का दिया है जो जलाते हैं, इसमें मेरे को डालना है घी और बत्तियां। कथा पढ़ूंगी। पहले करवा चौथ का व्रत, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, खोला जाता है। कथा एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी भोगों और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा।
इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने। तो मैंने कथा कर लिया और मैं आपको अपनी आउटफिट दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने दिखाई या नहीं। मैंने पहना है ये गोटा पट्टी का प्योर सिल्क एंड जॉर्जेट मिक्स सूट, और ये मैंने पंजाब से मंगवाया है, और ये पिंक है, और इसकी डबल शेड की चुन्नी है। आजकल डबल शेड बहुत चल रहा है, तो ये ग्रीन और ब्लू इसकी चुन्नी है, और ये मैजेंटा पिंक कुर्ता है, और नीचे मैंने पहना है ये कली वाला प्लाजो, जो आपको स्कर्ट लग रहा होगा पर ये एक्चुअली एक प्लाजो है। और पैरों में अगर आप देखेंगे तो मैंने बिछिया पहनी है और पायल पहनी है, ये स्टोन वाले पीछे पहने, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं। और मैंने कुछ रैंडम मेहंदी अपने पैरों में भी लगाई थी, और हाथों में मैंने कांच की चूड़ियां, और मैंने भी लगाया था। यस, सोनू ने भी लगाया था। सोनू सोनू मामा को हेल्प करता है सर फंक्शंस में, है ना? कितना हेल्प करता है, डिस्टर्ब करता है? हेल्प करता है। तो सोनू ने भी लगाया था, और बाकी मैंने ये गजरा पहना है, और मैंने जूड़ा बनाया, बहुत अच्छा किया मैंने जूड़ा बनाया, क्योंकि आई हैव सो मच ऑफ एनर्जी, गर्मी नहीं लग रही है। पिछली बार मैंने बाल खुले छोड़े थे, मैं गर्मी से परेशान थी, और मैंने अच्छा किया ये गजरा लगाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको कैसी आ रही है? और मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ हैं, और मेरे पास तो क्या, इधर आके बोलो, आ जाए। और ये है रणवीर, जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं तो जंप करके आ जाता है, वैसे नहीं आता है, वैसे चुप रहते हैं, वैसे ये चुप रहता है। तो जैसे कैमरा और तुम्हें मालूम है आज मून देखने जा रहे, पर मून तो सो रहे हैं, मून सो रहे हैं। हाँ, तो हम वेट कर रहे हैं कब मून जगेंगे, अब और हम आएंगे, अब टाइम हो गया, ठीक है। हाँ चलो, हैप्पी करवाचौथ एंड हैप्पी करवाचौथ टू ऑल ऑफ यू। चांद निकल आए हैं रात के 10 बजे, कितने बजे जान काफी टाइम हो गया वैसे, फुल मून नहीं हुआ है अभी, फुल मून होने में थोड़ा टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल चांद है। तो मैं अब यहाँ पे देने वाली हूँ अर्घ,
हैप्पी करवाचौथ हैप्पी करवाचौथ सो गाइस मेरा करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ. मैंने चंद्रमा को देख लिया रात के 10 बजे. आई मीन अभी रात के 10:25 हुए हैं, तो हम 10 बजे के लगभग नीचे गए थे और अभी जब वापस आए हैं तो 10:25 हुए हैं. मैंने अपने हस्बैंड को तिलक करके उनका भी फास्ट खुलवा के और उनकी ब्लेसिंग्स लेके अपना व्रत खोल लिया है. और करवा चौथ बहुत ही अच्छा था इस साल. बहुत आसानी से कट गया ये दिन क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे पूरे दिन. थैंकफुली आज संडे था. तो आई होप कि आपको मेरा ये छुटकू सा करवा चौथ व्लॉग पसंद आया हुआ है आएगा. अभी मैंने पानी पी लिया है, अब थोड़ी देर में चाय पीऊँगी शायद या फिर खाना खाएंगे. रणबीर को तो एक्साइटमेंट है मिठाई खाने की. और उसके पापा को नहीं, रणबीर मांग रहा था इधर आओ. खाना है रणबीर को. आपको क्या बोलना है? मुझे बोलना है कि बहुत मजा आया और लंबी उम्र की जो है. तो आई थिंक गाइस हमारा करवा चौथ व्लॉग खत्म हुआ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इस साल भी हमारे साथ करवा चौथ में जुड़ने के लिए थैंक यू. एंड अगली बार मिलेंगे हम अगले व्लॉग में. तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सुपर प्रिंसेस जो. इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स दीजिए. आई लव यू ऑल. बाय.